हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एमाइन का नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक। ठीक है, तो आज इसी पे एंड। अगर ये बेसिक होता है, हम लोग को सबको मालूम है एमाइन जो है बाय नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो वो बेसिक जो होता है उसके हर एक टर्म को हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे, साथ में हम लोग कंपेरिजन करेंगे जो अमोनिया एंड अल्काइल एमाइन में से कौन ज्यादा बेसिक है। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों, ये क्या हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें। हेडिंग लिखा है बेसिक होता है। तो अगर हम एमाइन का फॉर्मूला देखें, तो देखिए एमाइन का फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला ऑफ एमाइन। ठीक, ये देखिए एक अल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप जो लगा हुआ होगा एंड NH2, ये क्या हो गया प्राइमरी एमाइन। ठीक, कौन सा एमाइन हो गया, ये 1 डिग्री एमाइन। NH और ये क्या है 2 डिग्री एमाइन। एंड यहां पे इसकी तीनों वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, 8 से, तो ये हो गया 3 डिग्री एमाइन। यहाँ पे हर एक ये प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है एंड इसमें क्या है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन है एंड इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं, 1 एसिडिक हाइड्रोजन एंड में इसमें 9 एसिडिक। तो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन क्या शो करता है, ये क्या है, ये बेस है ना। बेस क्या होता है, जो OH माइनस दे एंड एसिड क्या होता है, जो H प्लस होता है ना। यहाँ पे एक और टर्म, जितनी भी ये एमाइन है हर एक के पास क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना और क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बात समझ में बच्चों, कुछ टाइम किसी देखिएगा, सम टाइम क्या होता है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन एक ही रिएजेंट रहता है, बट ये क्या करता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करता है, उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है। व्हाई, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, रिएजेंट एक ही है लेकिन ये एमाइन ही है, लेकिन प्राइमरी एमाइन अलग शो करेगा केमिकल रिएक्शन, सेकेंडरी एमाइन अलग शो करेगा एंड टर्शियरी एमाइन अलग शो करेगा। क्यों, किसकी प्रेजेंस के कारण, इस अल्फा हाइड्रोजन यानी एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण होता है। ठीक, अब बताएंगे जो ये पता चले, जो ये रिएक्टिविटी जो होती है एमाइन की, वो किसके कारण होती है, कॉज बताएं, जो कैसे ये इसकी रिएक्टिविटी किस कारण से होती है। तो चलिए स्टार्ट वो बताती हूँ मैं, चलिए ये पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। ये पॉइंट नोट आउट करने वाला है, समटाइम्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस सो डिफरेंट
केमिकल रिएक्शन। Different chemical reaction, presence of same, presence या with same reagent, या different chemical reaction, presence of same reagent, why? क्या होगा? Due to presence of acidic hydrogen. Okay, acidic, जिसमें जितना acidic hydrogen रहेगा वो उतना ज्यादा basic character show करता है, ठीक है। तो इस कारण से sometimes क्या होता है, reagent same भी रहेगा लेकिन ये chemical reaction अलग अलग दिखाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब बताएंगे कॉज, और बताओ रीजन बताओ जो व्हाई MnR गुड रिएक्टेंट या अच्छा रिएक्शन करता है, उसका जो रिएक्टिविटी होती है अच्छी होती है। तो अगर यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एमाइंस, ठीक है। एमाइन की रिएक्टिविटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन। किसके कारण? एक तो उसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है एंड उसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन में क्या होता है, तो उनके बीच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। टर्शियरी में हाइड्रोजन रहता ही नहीं है, इसमें नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। और बाय नेचर नाइट्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें एक मोर एसिडिक है एक नॉर्मल है, तो इसके बीच में दोनों के बीच में क्या होता है, पोलर बॉन्ड, दोनों क्या होता है, पोलर बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही रहे, एक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पोलर बनेगा ना। तो ये एमाइन क्या होता है, पोलर है बाय कैरेक्टर एंड बाय कैरेक्टर पोलर है। इससे भी क्या होता है, पता चलता है क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। आगे बात समझ में, इसको नोट आउट कर लेते हैं, क्या है रिएक्टिविटी ऑफ एमाइन। द रिएक्टिविटी ऑफ एमाइन इज गुड। रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन में इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइन द इंटरटर्टियरी एमाइन एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड between nitrogen and hydrogen। आगे बात समझिए बच्चा, ठीक है। और दूसरा क्या बताया है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, ये तो लिख लिया होगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है।
नहीं तो पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन किसके बीच, हाइड्रोजन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड इस पे इसके कारण इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, एंड इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बाय कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, पोलर, एंड पोलर के कारण भी इसका कैरेक्टर पोलर हो जाएगा, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा। अगली बात समझ में, इसके बाद क्या है, तो इन द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये जो है दो तरह से काम करता है, एज ए बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। एमाइन जो है, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये यहां पर लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये क्या करता है, ये शो करता है समटाइम एज ए बेस एंड समटाइम एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा काम करता है, समटाइम एज ए बेस काम करता है एंड समटाइम एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इस लोन पेयर के कारण ये होता है। आप देखिए एक और ऐसे बारी बारी से मैं इसका रीजन बता दी, ये शो कर रहा है कि जो बेसिक कैरेक्टर है, अभी इस कैरी में क्या है, मेन इसका यही है जो शो करना, जो ये बेसिक कैरेक्टर है, कैसे बेसिक कैरेक्टर शो करता है, तो दो तरह से बेसिक कैरेक्टर शो किया बता दिया, अभी तीसरा देखते हैं बेसिक कैरेक्टर कैसे ये शो करता है। चलिए इसे ले लिए, कुछ हो सकता है, तो जो एल्काइल एमाइन की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट बनता है, ठीक है, सॉल्ट क्या बनेगा, ये क्या करेगा, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करेगा, इस एच प्लस को यहाँ पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, ठीक है, ये एच प्लस को अपनी तरफ खींचे, ठीक है, इसको अपना लोन पेयर डोनेट किया, अपने तरफ खींच लिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, आर एन एच थ्री यहाँ पे प्लस, अब प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये एक्स भी इसी के साथ जुड़ा रहेगा, एक्स माइनस, तो इसका क्या बन गया, सॉल्ट, मतलब क्या, बेस प्लस एसिड, क्या होता है बच्चों इसका, बेस प्लस एसिड इक्वल टू क्या होता है, सॉल्ट, ये सिर्फ अल्काइल एलिमेंट के साथ ही नहीं हो सकता, एडाइल एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, जैसे यहाँ ले लिए एलिनीन, एलिनीन ले लिए यहाँ NH2, ठीक है, एंड इसका रिएक्शन फिर किससे के साथ करवा लिए, मान लीजिए HCl के साथ, यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फिर क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करवाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ देखिए यहाँ NH3 फिर प्लस
यहाँ प्लस एंड इस पे सीएल पे माइनस, ये शो कर रहा है क्या बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमआई। आगे चलिए, एसिड मीन्स क्या, ये रिएक्शन हमको क्या शो किया, एसिड मीन्स क्या, एसिड मीन्स क्या होता है, एसिड एच प्लस देता है एंड बेस क्या करता है ओ एच माइनस देता है, एच प्लस को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, तो एसिड एच प्लस क्या होता है डोनर एंड बेस एच प्लस एक्सेप्टर, है ना। ये रिएक्शन जो अभी हम लोग देखे हैं उसमें क्या हुआ है, जैसे हम लिए हैं मान लीजिए सी एच थ्री और यहाँ क्या था एमाइन, मान लीजिए हम प्राइमरी एमाइन लिए, इसका रिएक्शन मिनरल एसिड के साथ करवाया तो क्या मिला, क्या किया ये एच प्लस को, ये क्या किया है एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है ना, यही शो करा है, तो इसका ये करेक्टर क्या शो किया, ये बेस है, इसका करेक्टर कैसा है एमाइन का बेसिक करेक्टर है, यहाँ क्या हो जाएगा सी एच थ्री और यहाँ एन एच थ्री, ये एच यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आगे। एक और दिखलाते हैं, अगर हम एमाइन को एमाइन लिए, देखिए यहाँ ले लिए एमाइन सॉल्ट ले लिए, एमाइन सॉल्ट को अगर हम एमाइन सॉल्ट ले लिए जैसे यहाँ देखिए आर एन एच थ्री सी एल, यहाँ माइनस इसमें प्लस, इसको जब हम किस में डालेंगे एन ए ओ एच में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, बायनेचर मालूम है, ये क्लोरीन इसके पास जाएगा और यहाँ ये तीन जो है इसमें से एक एच प्लस को लेके ये एच टू ओ के रूप में निकल जाएगा, यहाँ एन ए सी एल अब माइनस एच टू ओ के रूप में निकल जाएगा एंड वापस हम लोग को क्या मिल जाएगा एम आई और एन एच टू, वापस अगर हमें पाना चाहे एम आई तो वापस हमको मिल जाएगा। ऐसा ही सेम चीज वाटर के साथ होता है, वाटर बाय नेचर क्या होता है एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, होता है ना एम्फोटेरिक पोलर होता है, तो अगर हम ले लिए आर सी एच टू सॉरी आर एन एच थ्री यहाँ ले लिए मान लीजिए बी आर एंड इस पे प्लस होता है इस पे माइनस, ठीक, इसको वाटर के साथ डालेंगे एच टू ओ, है ना, वाटर में क्या होता है एक एच प्लस ओ एच माइनस होता है, ठीक है, यहाँ वाटर को ऐसे लिख सकते एच प्लस एंड ओ एच माइनस, है ना, तो ये इसके साथ जाएगा एंड ये इसमें से एक हाइड्रोजन ये ओ एच लेके यहाँ पे क्या होगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ बन जाएगा एच बी आर माइनस आ यहाँ पे माइनस एच टू एंड इसका फॉर्मेशन हो गया प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन, ये क्या शो कर रहा है बाय नेचर अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है ओ एच माइनस दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या एज लुइस एसिड भी काम करता है, ये अगर वाटर के साथ हम इसको ले लेंगे, अगर दूसरा देखिए रिएक्शन अगर वाटर के साथ भी इसका प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन करवाया जाए आर एन एच टू प्लस एच टू अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा बच्चों, ये क्या करेगा ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा देखिए आर एक एच प्लस को ले लेगा आर एन एच थ्री और प्लस ओ एच माइनस देगा, ओ एच माइनस कौन देता है बेस ओ एच माइनस देता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको ये एज अ लुइस बेस की तरह भी काम करता है, लुइस बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो ये क्या क्या एज अ लुइस रिएक्ट एज अ लुइस बेस के पास समझ में
किसका देखेंगे क्या स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चले ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। तो अगर हम देख ले ये करते हैं, सो करते हैं, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो लुईस बेस को कैसे करेंगे, केबी, केबी से करेंगे। तो केबी को अगर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में देखिए, यहाँ पे ले लिए क्या इसका सॉल्ट ले लिए आर एन एन एच थ्री प्लस OH पे माइनस, और यहाँ क्या ले लेते हैं इसका सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन MMA। ये हो गया क्या इसका K और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। लेकिन अगर पीके भी लेंगे तो क्या होता है, पीके भी क्या होता है, पीके भी क्या होता है माइनस लॉग, माइनस लॉग इसका क्या होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है, माइनस लॉग ऑफ के भी। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर OH का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, अगर OH का कंसंट्रेशन क्या होगा, OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा केबी का मान ज्यादा होगा, केबी का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा पीकेबी का मान कम होगा, एंड पीकेबी का मान कम होगा भरी वैल्यू कम होगा तो क्या हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जब अगर बोल दिया जाएगा अगर पीकेबी का मान ज्यादा है तो बेसिक करेक्टर क्या होगा उसका, तो बेसिक करेक्टर जस्ट इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। केबी का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा, एंड पीकेबी का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा बेसिक करेक्टर इसका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन या ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे जो किसका, अमोनिया का, अमोनिया का कैरेक्टर जो है सो ज्यादा बेसिक है या प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमाइन किसका कैरेक्टर बेसिक ज्यादा है। ठीक है, तो कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, इसका ले चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।